आगे बढ़ते हैं फिर वेव्स में। हम लोगों ने साउंड वेव का इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट लेक्चर में, और जैसा हम लोगों ने स्ट्रिंग वेव में स्टैंडिंग वेव्स देखी थी, स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, सिमिलर टाइप का वाइब्रेशन जो है वो ऑर्गन पाइप्स में भी होगा। तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं तुम्हारे दिमाग में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो इंस्ट्रूमेंट दो में से कोई एक कैटेगरी का होगा। या तो वो स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, स्ट्रिंग वाइब्रेशन होंगे उसमें, या फिर उसमें एयर कॉलम के वाइब्रेशन होंगे, ठीक है ना, एयर कॉलम के वाइब्रेशन होंगे, मतलब उसमें एयर वाइब्रेट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे पेन का जो कैप है वो भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके अगर तुम ओपन एंड पे ब्लो करते हो तो क्या तुम्हें साउंड सुनाई देता है? और तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर अलग अलग कैप हैं, उनका लेंथ अलग अलग है, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, और एक कैप से प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड है वो फिक्स रहता है, मतलब उसमें ब्लो करने वाले का कोई रोल नहीं है। तो किसी भी ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग देखेंगे कि उसके लेंथ पे डिपेंडेंट आता है, जैसे कि वायर्स के केस में होता है। तो हमें वही डिस्कस करना है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इसमें हम ज्यादा इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस तो वहां हमने बनाई रखी थी। नेक्स्ट हैंड डालते हैं, मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप्स, मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप्स। और इसमें हम लोगों को दो ऑर्गन पाइप पे स्टडी करना है। एक ऑर्गन पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा ध्यान रखना, अगर जैसे लिखा है ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब ये होगा कि दिस पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, दिस पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स। तो जरा बताना ध्यान से, अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का केस है, पाइप अगर ओपन एट बोथ एंड्स है, तो बताओगे कि ओपन एंड पे क्या फॉर्म होगा, नोड या एंटी नोड? एंटी नोड ओपन एंड पे क्या एंटी नोड फॉर्म होगा? पाइप का जो ओपन एंड है वो स्ट्रिंग के फ्री एंड की तरह है, समझ लो, तो यहाँ एंटी नोड फॉर्म होगा। अभी बताओ कि एंटी नोड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? पाइप का लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं, तो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 4 बनेगा। बताओ किस तरह यस सर, का बनेगा है? ये वेव फॉर्म उसमें आएगी। अब यहां पे ये वेव फॉर्म हमको दिखाई नहीं देगी, बस यही है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये, बीच में यहां पे एक नोड मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या देंगे बताते जाओ, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मॉड, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। लैम्डा कितना निकालेंगे, तो यहां से लैम्डा बाई 2 की वैल्यू एल के बराबर है, तो यहां से लैम्डा जो है वो 2L हो जाएगा, और फंडामेंटल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है वी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगी 1/2L। अब वी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वहां पे वी का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाई म्यू था, यहाँ वी का फॉर्मूला जो है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम होगा, गामा आर टी बाई एम बनेगा। देखो क्लियर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? बोलिए सेम। अगर मान लो नेक्स्ट मॉड की बात करें हम लोग, तो क्या कहोगे नेक्स्ट मॉड क्या बनेगा? तो एंटी नोड, एंटी नोड के बीच में अगला डिस्टेंस क्या बनेगा बताओ? एंटी नोड, एंटी टूएल नोड के बीच में अगला डिस्टेंस क्या बनेगा? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें अब दो नोड हो जाएंगे, क्यों भाई? इसमें दो नोड बनेंगे, और दो नोड बनेंगे तो उसमें जो वेव फॉर्म आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, देख लो। थ्री लैम्डा बाकी नहीं, 3 नहीं, सही से वो देखो, जल्दबाजी कर रहे हो, लैम्डा लैम्डा बनेगा ना, इसको लिखेंगे टू यस सर, टाइम्स लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा का वैल्यू एल आ जाएगा। तो जब हम न्यू 2 निकालेंगे, क्या ये 2 टाइम्स न्यू 1 आएगी? क्यों, नाम क्या पड़ेगा इसका बताओगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन, या फिर इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक।
तो क्या करो, बस ये पता कर लो कि इसमें इवन हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ऑड इवन दोनों हो रहे हैं तो हमें मालूम है कि फंक्शन कैसे चलता है, बताओ। और डायरेक्ट बता सकते हो कि इसके लिए अगला क्या होगा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? 3 न्यू 1 3 न्यू 1। अगर हम लोग चलते जाएं और जरा जनरल फॉर्मूला बनाएं तो बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएथ ओवरटोन क्या होगी? P plus 1th हार्मोनिक, यानी कि P plus 1 times new 1। और अगर हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक, नाम बस थोड़े थोड़े ध्यान रखना, हार्मोनिक का मतलब अलग है, ओवरटोन का मतलब अलग है, तो ये m टाइम्स न्यू वन बनेगा, ध्यान रहेगा। दिस इज फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। सर ये ऐसे तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट सर उस तरह फील नहीं हो रहा थोड़ा। फील कैसे होगा बेटा, एयर के वाइब्रेशन देख तो सकते नहीं हो तुम, बताओ। मैंने तो फील करने के लिए बता दिया, अपने पेन के ढक्कन लो और उस पर जरा सीटी बजा के देख लो और क्या फील करोगे। तो हर एक कैप जो फ्रीक्वेंसी है ना वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, और तुम देखोगे कि जो अलग अलग कैप होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगी, सबसे सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रही है, ये देखो, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी उनके लेंथ पे, टेम्परेचर पे, ठीक है ना, जो एयर फिल है उसके मॉलिकुलर मास पे, ठीक है ना। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बाकी सब तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एल ही है जो हम चेंज कर सकते हैं, तो एल चेंज करके ऑब्जर्व कर लो। सर ये स्ट्रिंग फिक्स एट बोट एंड की तरह चलेगा, बस वी एंटर हो जाएगा उसमें स्क्रीन? हाँ ये बिल्कुल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की तरह चलेगा, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ ये एंटी नोड है, वहां पे नोड थे। यस सर, ठीक है। सेकंड इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, करो अपने आप कर सकते हो, कुछ नया नहीं बताना है मुझे, लेकिन ध्यान रखना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर लिखा हुआ है तो ध्यान रखना कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का वन एंड क्लोज्ड है और वन एंड ओपन है। अब इनके नाम ऐसे क्यों हैं तो अब उसका कोई जवाब नहीं है, बस ऐसे ही नाम है। अच्छा सर, एक थर्ड भी तो होगा जिसके दोनों एंड क्लोज्ड होंगे? दोनों एंड क्लोज होंगे तो वो इसी तरह से बिहेव करेगा, बस उसमें ये यहाँ पे हम लोगों ने एंटी नोड लिया, उसमें नोड नोड नॉर्मली दोनों एंड क्लोज में बात ही नहीं बनती ना। अब मान लो कि एक मतलब दोनों एंड बंद कर दिए तो अंदर बन जाएगा, जैसे वो जो ढोलक है ना, ढोलक यस सर वही ढोलक बेसिकली यही वाला एग्जांपल बनेगा, बट उसमें क्या ना कि उसमें डायफ्राम वाइब्रेट होते हैं तो उसमें भी एंटी नोड बनता है जहां पे हम पीट रहे होते हैं उसको, क्योंकि वो पॉइंट सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होता है ना। यस सर, तो वो ओपन एंड ही बनेगा, क्लोज नहीं बनेगा वो भी। अगर मान लो एकदम ही क्लोज एंड बनाना हो तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, क्वेश्चन में तो बन ही सकता है, बस तुम ये ध्यान रखना क्वेश्चन में तो कुछ भी पॉसिबल है। सर तो जैसे अगर आपने ढोलक वाली बात बताई सर, उसमें हम लोग दोनों साइड एंटी नोड लेंगे या नोड लेंगे? एंटी नोड बनता है उसमें, डिस्प्लेस होता है नहीं होता है ये बताओ, अपने दिमाग से सोचो, हर चीज नहीं याद करनी होती है। हाँ डिस्प्लेस होता है, तो बस डिस्प्लेस होता है तो एंटी नोड है, मतलब उसका जो डायफ्राम है जिसपे हम लोग जिसको हम लोग पीटते हैं वो जिन मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टेक्ट में है वो मॉलिक्यूल्स मूविंग है कि रेस्ट पे है? मूविंग होंगे, बस तो एंटी नोड है। क्लोज्ड में मान लेते हैं कि ये क्लोज्ड वाला एंड है तो यहाँ बनेगा नोड और यहाँ बनेगा एंटी नोड, तो नोड और एंटी नोड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या बनेगा? लैम्डा बाई फोर बनेगा इस बार, तो इस बार ये जो लेंथ एल है, करो अपने लिखते जाओ अपने आप, ये डिस्टेंस जो है लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 4L, ठीक है। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/4L अंडर रूट ऑफ गामा RT/M। और तुम ध्यान से देखो तो क्या ये वन एंड फिक्स्ड और वन एंड फ्री वाला स्ट्रिंग बनेगा ना, नाम इसका तो यही रहेगा, सेम ही नाम रहेगा, इट इज फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। सेकंड कैसा बनेगा इसका? 3 new 1। थ्री न्यू वन के इक्वल आएगा। हाँ, इसमें क्या होगा कि ये वाला एंटी नोड है, ये वाला नोड है,
अब इसमें बीच में एक और नोड आ जाएगा, आएगा ना, जिसकी वजह से इसमें एक लूप कंप्लीट आएगा और एक लूप जो है वो हाफ आएगा। देखो अपने आप, देखो कुछ याद नहीं करना है, नेक्स्ट मॉड जो बनेगा। तो इस बार जब हम लैम्डा लिखेंगे तो थ्री टाइम्स लैम्डा बाई फोर जो है वो एल के इक्वल बनेगा, तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 4L/3। तो जब हम न्यू टू निकालेंगे तो इस बार 2 ν₁ नहीं होगा, न्यू टू का वैल्यू 3 ν₁ आएगा, जिसकी वजह से इसके नाम थोड़े चेंज हो जाएंगे ना। इसका नाम क्या पड़ेगा, इसको ओवरटोन तो यही रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन हार्मोनिक कौन सा होगा, ये हार्मोनिक बनेगा, हार्मोनिक थर्ड बनेगा। तो इसमें अगला बनाने की जरूरत है या डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएथ ओवरटोन क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस वन एट टाइम्स एमएथ हार्मोनिक क्या होगा, तो ये बनेगा 2p+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये होगा m टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो m है ये ऑड मस्ट बी ऑड होना चाहिए, इवन हार्मोनिक्स ये जनरेट नहीं करेगा। ठीक है ना, क्लियर है, नोट कर लिया, नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, इसमें एक दो बातें इससे रिलेटेड और हैं, नोट करके लिखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में, अच्छा फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लोग ये मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन बना रहे हैं ना, जैसे मान लो ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और इस ओपन ऑर्गन पाइप में सपोज हमने इस तरह से ये एक मॉड बनाया, दिखाया तुमको, जिसमें ये बोल रहे हैं कि ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। तो जरा ये बताओ, ये जो मैंने वेव फॉर्म दिखाई है, ये डिस्प्लेसमेंट की वेव फॉर्म है या प्रेशर की वेव फॉर्म है? तो प्रेशर की वेव फॉर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट की वेव फॉर्म है भाई। ओपन एंड पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा ना, तो एंटी नोड कैसे लेंगे, एंटी नोड तभी तो लेंगे जहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वेव फॉर्म है। तो अगर हम इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहें, प्रेशर वेव में, तो प्रेशर के केस में क्या होगा ना, थोड़ा सा सिचुएशन पलट जाएगी, पलट ये जाएगी, इस बार प्रेशर के फॉर्म में करेंगे तो दोनों एंड्स पे नोड बनेगा, ये वाली जो वेव फॉर्म बनेगी ना, दिस इज प्रेशर वेव। अब तुम्हें डाउट ये हो सकता है कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो मैं कहूंगा प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में क्या फर्क होता है ये बताओ। प्रेशर वेव पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, और पाई बाई टू का फेज डिफरेंस अगर हम पाथ में चेंज करेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, फेज डिफरेंस को अगर हम पाथ डिफरेंस में बदलें तो ये होगा लैम्डा अपॉन 2π इंटू पाई बाई टू बनेगा, तो ये आएगा लैम्डा बाई फोर। तो लैम्डा बाई फोर का मतलब ये होगा, हेंस नोड एंड एंटी नोड्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स विल गेट एक्सचेंज्ड। बताओ याद रहेगी ये बात? तो कई बार बुक्स में क्या होगा, कहीं तुम देखोगे तो तुम्हें इसी तरह के दिखाई देगा,
तो इस तरह का अगर दिखाई देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने नोड कैसे बना दिया ओपन एंड पे, ओपन एंड पे तो एंटी नोड बनता है, तो ऐसा इसलिए बना दिया क्योंकि उसने वो जो वेव बना रखी है वो प्रेशर वेव बना रखी है। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है सर, कुल मिलाकर नोड तो वहीं पर बनेगा ना जहां पर ये जो आप रेखाएं बना रहे हैं वो मिलेंगी। बात वो नहीं है, समझो नोड का मतलब क्या है। नोड का मतलब हम वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो बोल रहे हैं या प्रेशर का वेरिएशन जीरो बोल रहे हैं, क्योंकि उल्टा होता है। जहां पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां प्रेशर का मैक्सिमा बनता है। तो जहां पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा। पार्टिकल वहां आके इकट्ठे हो गए तो वहां प्रेशर बढ़ गया ना। यस सर। इसमें एक छोटा सा डाउट हो रहा है। जैसे जो आपने ये पहला वाला डायग्राम बनाया है, अगर उसमें राइट साइड लेफ्ट साइड में मेम्ब्रेन लगी हो अगर हम उसको हिट करें तो सर वहां पर पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे तो वहां का तो प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में एक छोटा सा पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम लोग एंड करेक्शन। ठीक है, एंड करेक्शन ऑर्गन पाइप्स में रहता है। और होता क्या है इस केस में, जैसे अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप का केस लें, पहले क्लोज कर लेते हैं केस। सपोज अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब वन एंड क्लोज्ड, तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जो वेवफॉर्म बनती है एक एंड पे नोड और एक एंड पे एंटी नोड, तो नोड तो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे बनता है जहां पे वो एंड क्लोज्ड होता है, लेकिन जो एंटी नोड का फॉर्मेशन है वो उसके ओपन एंड से थोड़ा सा दूर बनता है। ठीक है, और वो जितना दूर बनता है उस डिस्टेंस को अगर हम काउंट करें, कई बार नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, कई बार काउंट करते हैं, तो अगर उसको हम काउंट करते हैं तो दैट इज नोन एज एंड करेक्शन। अब क्वेश्चन ये तुम पूछ सकते हो कि सर ये कहां से आया, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकता हूं इसका। देखो है क्या, ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि एक वेव इधर से जा रही है और एक वेव उधर से टकरा के वापस आ रही है, और इन दोनों वेव्स के सुपर पोजिशन से ये स्टैंडिंग वेव बन रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव्स का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन कौन से एंड पे, ओपन एंड पे। तो रिफ्लेक्शन ओपन एंड पे क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि पाइप के अंदर की जो एयर होगी उसकी डेंसिटी, पाइप के अंदर जो एयर है वो कंस्ट्रेंड है। कंस्ट्रेंड का मतलब है कि वो एयर बाहर मूव करने के लिए फ्री नहीं है, पाइप बंद होने की वजह से वो एयर कंस्ट्रेंड है, लेकिन जो पाइप के बाहर की एयर होगी वो मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव है। तो बाहर का डेंसिटी डिफरेंट होगा, अंदर का डेंसिटी डिफरेंट होगा, और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी में सडन डिक्रीज आ रहा है। तो ये जो सडन डिक्रीज आता है उससे जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें, ये रिफ्लेक्शन में पाइप का जो डायमीटर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर पाइप का डायमीटर ज्यादा हुआ तो डेंसिटी में जो डिफरेंस है वो उतना कम होता जाएगा, मतलब उतना ग्रेजुअल चेंज होगा। पाइप जितना कंस्ट्रेंड होगा, जितना उसका डायमीटर कम होगा, वो रिफ्लेक्शन उतना जल्दी हो जाएगा। तो इस वजह से पाइप का डायमीटर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये जो एंड करेक्शन की वैल्यू है वो तुम्हें फिलहाल बस ध्यान रखनी है, इसका कोई प्रूफ रूफ नहीं है तुम्हारे लेवल पे। इट इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स आर। कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, नहीं दिया हुआ है, नहीं बोल रहा है तो नहीं कंसीडर करेंगे। अब अगर कंसीडर करेंगे तो इस केस में ध्यान से बताओगे कि लैम्डा बाई फोर को किसके इक्वल लिखना चाहिए। पहले हमने इसको L लिखा था, क्या अब इसको हम L प्लस E लिखेंगे, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी 4 टाइम्स L प्लस E। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी V अपॉन 4 टाइम्स L प्लस E। ध्यान रखना एंड करेक्शन सिर्फ ओपन एंड पे ही रोल प्ले करेगा, क्लोज्ड एंड पे नहीं होगा। तो अगर ओपन पाइप लेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन हमें दो जगह कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें एक एंटी नोड इधर भी होगा, एक एंटी नोड इधर भी होगा। तो इस केस में जो फॉर्मेशन होगा
वो इस तरह से रहेगा। तो बताओगे कि हमारे एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? इधर भी हम ई आगे लेंगे और इधर भी हम ई आगे लेंगे, देखो, और ये वाला लेंथ एल है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? लैम्डा बाय टू इक्वल्स टू एल प्लस टू ई बनेगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी टू टाइम्स ऑफ एल प्लस टू ई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वी अपॉन टू टाइम्स एल प्लस ई। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है कि नेग्लेक्ट एंड करेक्शन, तो नेग्लेक्ट कर देना है, दोनों होते हैं। बोलिए, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है जो हमें ध्यान रखना है। दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रेजोनेंस कॉलम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ साउंड। रेजोनेंस कॉलम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ साउंड, ये एक्सपेरिमेंट किया है क्या भाई स्कूल में? नहीं सर, नहीं किया है। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है पहले समझो। पहली चीज़ तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत शांत वातावरण में होगा, एकदम बिल्कुल जरा सा भी शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस होता है इससे वो बहुत कम इंटेंसिटी का प्रोड्यूस होता है। तो ऑलरेडी अगर नॉइज़ है बैकग्राउंड में तो फिर हमें कुछ नहीं सुनाई देगा, फिर ये एक्सपेरिमेंट नहीं पॉसिबल है। है क्या इसमें, तुम देख रहे हो ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है, अप्रॉक्सीमेटली उसकी 1 मीटर की लेंथ रहेगी और उस ट्यूब के अंदर वाटर फिल होगा। ठीक है, वाटर का काम बेसिकली क्या है, उस ट्यूब का जो इफेक्टिव लेंथ है जितने में एयर कॉलम वाइब्रेट होगा उस इफेक्टिव लेंथ को चेंज करना है। मतलब वाटर का लेवल अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वाटर का लेवल चेंज करने के लिए यहाँ पे इधर की तरफ एक ये पाइप है, मतलब क्या है कि इधर से वाटर कनेक्टेड है इस वेसल में, तो इस वेसल में जो वाटर का हाइट होगा वही हाइट यहाँ भी होगा। क्यों भाई, अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे उसकी सेटिंग चेंज करके तो उसमें भी वाटर लेवल चेंज हो सकता है सिंपली। ठीक, अब जितना लेवल पे वाटर होगा उसका बचा हुआ जो लेंथ है वो उसका एयर कॉलम का लेंथ हो जाएगा, जिसमें ये एयर कॉलम वाइब्रेट होने वाला है। ठीक, करते क्या हम सबसे पहले हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क तो देखा है ना? नहीं देखा है? ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क समझ लो एक तरह से सिंगल फ्रीक्वेंसी का एक साउंड सोर्स है, सिंपल साउंड सोर्स है, और उस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम कहीं टकराते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो प्रॉन्ग्स हैं, ये जो दो टांगे हैं उनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, और ये प्रॉन्ग्स जो है ये वाइब्रेट होने लगेंगी, और ये वाइब्रेट होंगी तो जितना फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉर्क पे लिखा होता है उतनी फ्रीक्वेंसी का वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखना कि जब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को वाइब्रेट कराएंगे तो ये बिल्कुल पिस्टन की तरह ही है, पिस्टन आगे पीछे हो रहा है, तो वो जो वेव्स हैं वो वेव्स आगे की तरफ प्रोपोगेट होंगी इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा कि वेव्स नीचे की तरफ जाएंगी तो इसमें से क्या होगा कि वो जो क्लोज्ड एंड है वाटर का, जो सरफेस है वो एक क्लोज्ड एंड की तरह काम करेगा, और वहां से वो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो जा भी रही है और रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, सुपर पोजिशन होगा। अब अगर उस सुपर पोजिशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पाइप के रेजोनेटिंग लेंथ से मैच करती है तो हमें साउंड सुनाई देगा। नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मली ट्यूनिंग फॉर्क अगर हम बजाएंगे तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, सॉरी, अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है और वो इंटेंसिटी अगर 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम है तो हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो उस केस में इंटेंसिटी 4 times हो जाएगी, और 4 times होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जब ये वाली सिचुएशन बनेगी तो हमें साउंड सुनाई दे। तो हमें क्या करना होता है, वाटर लेवल धीरे धीरे हम चेंज करते जाते हैं,
बार बार ट्यूनिंग फॉर्क को उसके ओपन एंड पे रख के वाइब्रेट कराते हैं और देखते हैं कि पहली बार ऐसा कब हो रहा है। समझाई बात? तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ऐसा हो रहा है, अब इसमें इन्होंने डायग्राम में ई कंसीडर नहीं किया है, हम लोग ई कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है ई के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये जो एल वन है, एल वन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। तो बताओ कि क्या इक्वेशन बनेगी लैम्डा और एल वन में? बोल सकते हैं कि एल वन प्लस ई जो होगा वो लैम्डा बाई फोर के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंटी नोड है और ये नोड है। बताओ, क्लियर है फर्स्ट? फिर हम दोबारा वाटर लेवल नीचे करते हैं, दोबारा वाटर लेवल नीचे करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोबारा ऐसा कब होगा। तो फिर से मान लेते हैं कि दोबारा ऐसा हो रहा है जब ये लेंथ L2 बन जा रही है। L2 क्या कहलाएगी? तो L2 कहलाती है सेकेंड रेजोनेटिंग, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ। तो इसको लिखेंगे L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। बताओ, सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? अब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है, L1 L2 हमें पता होता है, दिख रहा है L1 L2। तो अगर हम इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने से फायदा ये होगा कि वो E जो है वो हट जाएगा, E की जरूरत ही नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स L2 माइनस L1। और हमें इस एक्सपेरिमेंट से निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव को लिखते हैं न्यू लैम्डा। तो ये हो जाता है 2 न्यू नॉट L2 माइनस L1। न्यू नॉट हमको मालूम होता है क्योंकि हमने नॉन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया होता है। L1 L2 हम लोग मेजर कर लेते हैं उस स्केल की हेल्प से और वैल्यू रख देने के बाद हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल जाएगा। क्लियर है एक्सपेरिमेंट? बताओ, एक्सपेरिमेंट तो करने को नहीं आएगा लेकिन इस पे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। सर, जैसा आपने कल डायग्राम दिखाया था वेव्स वाला, अगर वैसा कुछ होता लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का जैसे दिखाया था, L1 L2 की वैल्यू भी इसमें पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, L1 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई 4 माइनस ई, ठीक है। L2 की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 4 माइनस ई। और अगर हमें थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ निकालना हो तो थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4 माइनस ई। तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। वेव फॉर्म जो फॉर्म हो रहे हैं इसमें वो तुम्हें दिए हुए हैं। जो बीच वाला डायग्राम है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, तो तुम देख सकते हो उसके एक एंड पे एंटी नोड है, एक एंड पे नोड है, और जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है वहां प्रेशर का नोड है। ठीक है ना? यस सर। देखो फिर क्वेश्चन में। अ ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर एंड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज फाउंड टू बी 320, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 320। तो यहाँ से लैम्डा तो निकल आएगा सीधे सीधे, वी अपॉन न्यू कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू तो 1 मीटर आ गई। तो मैं कह रहा एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, one end of the tube is now closed, calculate the lowest frequency. तो देखो अगर दोनों end पे open है, क्यों भाई? दोनों end पे अगर open है तो क्या हम लोग लिखते हैं lambda by 2 is equal to L plus 2E. तो यहाँ से lambda by 2 मतलब 0.5 meter, L का मतलब हो गया 0.48 meter and plus 2E. तो यहाँ से E कितना आ रहा है? E की value 0.1 meter है, तो 0.1 meter, तो इसको लिखेंगे 0.3 इंटू टू आर इज 0.1, तो 2R की वैल्यू 1/3 मीटर आ रही है। क्यों भाई? 1/3 मीटर 0.01 0.0 0.0
मुझे लग रहा था कि 1/3 meter, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्या आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। अरे अब अगर हम क्लोज कर देंगे उसको तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्लोज करेंगे तो हो जाएगी v अपॉन 4 times L+E हो जाएगा। तो इसमें रख दो v का मतलब हो गया 320 अपॉन 4 times L का मतलब हो गया 0.48 और e का मतलब हो गया 0.01। तो ये देख लो वैल्यू क्या निकल के आती है। तो ये आ रही है 163.2 हर्ट्ज। क्लियर है दोनों पार्ट, बताओ कर लिए थे? और देखो ऑर्गन पाइप के ऊपर भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ओपन ऑर्गन पाइप फिल्ड विथ एयर हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ अनदर ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड फिल्ड विथ CO2 हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच ऑर्गन पाइप। तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या लिखेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप के लिखेंगे 500 इज इक्वल टू v अपॉन 2L हो जाएगा। क्यों भाई? तो v दिया हुआ है 300 अपॉन 2L1, तो यहाँ से L1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए क्या लिखेंगे, तो इसको लिए लिखेंगे 500 इज इक्वल टू v अपॉन 4L2 लिखेंगे बस, तो यहाँ से L2 आ जाएगा। कितना आएगा 0.3 और 3. ये वैल्यू आती है 3 सेंटीमीटर, नहीं 30 सेंटीमीटर L1, और ये यस सर 13.25। थर्टीन पॉइंट टू सेंटीमीटर कर लिया ना सभी ने? यस सर। यस नेक्स्ट देखो, देखो इसको फिर कह रहा है पाइप ऑफ लेंथ 1.5 मीटर क्लोज्ड एट वन एंड एंड इज फिल्ड विद अ गैस, मतलब कोई और गैस है, एंड इट रेजोनेट्स इन इट्स फंडामेंटल विद अ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, अनदर पाइप ऑफ सेम लेंथ बट ओपन एट बोथ एंड्स इज फिल्ड विद एयर एंड इट्स रेजोनेट विद द फंडामेंटल मॉड विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप फिल्ड विथ एयर वाला अगर केस लें, ओपन ऑर्गन पाइप फिल्ड विथ एयर, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगा? तो ये हो जाएगा v अपॉन 2L, क्यों भाई? और v कितना लिखेंगे? तो v हो जाएगा 360 अपॉन 2 × 1.5। तो ये वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू आती है 120 हर्ट्ज। ठीक है ना? अब इसके बाद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप filled with gas, closed organ pipe filled with gas ले लें, तो उस closed organ pipe की भी यही frequency है, लेकिन उसके लिए लिखेंगे v dash upon 4L dash, 4L लिखेंगे, तो यहाँ से हम v dash निकाल सकते हैं कितना आएगा, तो 4L का मतलब हो गया 1.5 और ये हो गया 120, तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 720 meter per second। तो ये वेलोसिटी हो गई कितने टेम्परेचर पे, एट 30 डिग्री सेल्सियस हो गई,
और अब हमें बताना है उसकी वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करोगे? तो हमें मालूम है कि v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन v एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 303। तो यहाँ से देखो v एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, 720 इंटू अंडर रूट ऑफ 273 अपॉन 303। देखो ये आता है 683.4 मीटर पर सेकेंड। बताओ कर लिया? एक अच्छा और क्वेश्चन है, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, वो करते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया इसको? देखो बताओ कोई स्टेप अगर बताना है तो। ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज मेड टू वाइब्रेट इन इट्स सेकेंड ओवरटोन। तो मान लेते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो सपोज ये इस एंड पे क्लोज्ड है, कोई भी एंड ले लो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ एल एज्यूम कर ले रहे हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क जो हम यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से लैम्डा तो निकाल ही सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन न्यू, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 3/4 मीटर आ रहा है। अभी देखो ये वाइब्रेट हो रहा है कौन से हार्मोनिक में, ये वाइब्रेट हो रहा है सेकेंड ओवरटोन में, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए सेकेंड ओवरटोन। अब इसमें ध्यान रखना प्रेशर की बार बार बात कर रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें प्रेशर का ही वेवफॉर्म बनाए। तो प्रेशर के वेवफॉर्म में ओपन एंड पे नोड होगा और क्लोज्ड एंड पे एंटी नोड होगा, तो फंडामेंटल में ये डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर होता, फर्स्ट ओवरटोन में ये डिस्टेंस 3λ/4 होता, और सेकेंड ओवरटोन में यही डिस्टेंस 5λ/4 होगा। बताओ, तो अगर ये नोड है, इधर नोड है, इधर नोड है, ध्यान से देखो, तो इसमें जो वेवफॉर्म बनेगा वो इस तरह का बनना चाहिए। देखो ये वेव फॉर्म बनेगा, इट इज करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ओवरटोन, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा कितना बनेगा, तो डिस्टेंस तो हम सीधे सीधे लिख ही सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा एल, ये 5 times λ/4 बनेगा, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू लैम्डा का मतलब हो गया 3/4, तो पहला आंसर तो यही आ गया 15/16 मीटर। बताओ अब हमसे पूछ ही रहा है कि मिडिल ऑफ द कॉलम में प्रेशर का एम्पलीट्यूड क्या है। अब देखो ये स्टैंडिंग वेव बन रही है, और याद करो क्या स्टैंडिंग वेव में हर जगह एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, होता है कि नहीं होता है, तो उसने जो एम्पलीट्यूड हमसे पूछा हुआ है वो मिड पॉइंट पे पूछा हुआ है। अब मिड पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है तो वो एंटी नोड और नोड दोनों नहीं पड़ेगा, वो कुछ और पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं ये वाला एंड ले लेते हैं x इक्वल टू 0, और एज्यूम कर लेते हैं लेट प्रेशर एम्पलीट्यूड, लेट प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट इंटू साइन के एक्स ले लें, इक्वेशन एज्यूम करनी है, एम्पलीट्यूड की इक्वेशन एज्यूम करनी है, तो साइन के एक्स ले लें, और k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू होगा 2π/λ, तो 2π/λ करोगे तो ये 8π/3 आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ 8πx/3। अब हमको निकालना है एम्पलीट्यूड कहाँ पे, जहाँ x की वैल्यू l/2 है,
एल बाई टू का मतलब हो गया 15 बाई 32 मीटर, तो इसमें 15 बाई 32 मीटर पुट कर दो तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, डेल्टा पी आएगा डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ, तो ये आएगा 8π/3 और 15/32। तो देखो ध्यान से क्या ये वैल्यू डेल्टा पी नॉट अपॉन रूट टू आती है, माइनस में आ रही है कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब है बताओ, बी पार्ट क्लियर है या नहीं, बी पार्ट अच्छा है इसका, हर जगह एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो जनरल पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, तो हमने वो वेरिएशन एज्यूम कर लिया क्या होगा, तो उसका साइन के एक्स लिख दिया, साइन के एक्स क्यों लिखा, साइन के एक्स इसलिए लिखा क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो इज अ नोड, हम उल्टा भी कर सकते थे, मान लो पाइप का क्लोज एंड इधर रखते तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे एंटी नोड होता तो हम कॉस के एक्स ले लेते, बताई थी ना ये बात, ठीक है। इसके बाद फिर सी पार्ट में कह रहा है व्हाट आर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट ओपन एंड, तो ध्यान से देखो एट ओपन एंड क्या बन रहा है, ओपन एंड पे तो नोड बन रहा है ना, और अगर नोड बन रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर वहां पे वेरी नहीं कर रहा है, प्रेशर वहां पे कांस्टेंट है, तो मिनिमम प्रेशर कहो या मैक्सिमम प्रेशर कहो पी नॉट ही रहेगा। क्लोज्ड एंड पे क्या होगा, क्लोज्ड एंड पे प्रेशर का एंटी नोड है, तो जहां एंटी नोड बनता है वहां पे वेरिएशन होता है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम प्रेशर वहां पे बनेगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, और मिनिमम प्रेशर वहां पे आएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। देखो मिनिमम प्रेशर वहां होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, मैक्सिमम प्रेशर होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, और मिनिमम प्रेशर होगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, क्योंकि जहां पे एंटी नोड है वहां पे प्रेशर का एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट है। अच्छा मिड पॉइंट पे बताओगे कि मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर क्या होगा, मिड पॉइंट पे पाइप के मिड पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर क्या होगा सर, पी प्लस डेल्टा पी और पी माइनस डेल्टा पी, मतलब ये वैल्यू ना, यस सर, हाँ पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट बाई रूट टू और पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट बाई रूट टू, तुम इसको स्ट्रिंग वेव से रिलेट करो तो आसानी से आंसर कर ले जाओगे। ठीक है ऑर्गन पाइप रेजोनेंस कॉलम मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर लिया है।